Speaker. Everyone. Hi, Mrinmayee. Good evening. So we last time we stopped at the third chapter. Yeah, third chapter किया था हम लोग ने. Third chapter में से we I'll just give you an overview. क्या क्या किया था last इसमें inheritance variation chapter we are doing right. Inheritance variation. तब तक if there's any question, anybody is having any doubt related to this topic, whatever we have covered, you can put it on the chat box abhi. Starting your first 5 minutes. All your questions, all your queries, please put it on the chat section. Rest, yeah, so we did chromosomes, humne dekha dominant and recessive characters study kiya, right? And then we checked on the genetic terminologies. I hope every term is clear. Yeah, we checked on monohybrid, dihybrid cross. Maine tum logo dihybrid cross practice karne bola aur bhi, I hope you did that. Yeah. Then we checked on Mendel's law of inheritance. हमने देखा कि law of dominance क्या है, law of segregation and independent assortment was done, right? Today we were supposed to start by back cross and test cross, right? In last lecture I already told you what do you mean by back cross. पहले ही बता दिया था क्या था back cross, कि अगर जो traits दो parent हैं, राइट right? दो प्योर पेरेंट्स हैं, दो प्योर पेरेंट्स का क्रॉसिंग हो रहा है और दो प्योर पेरेंट्स के क्रॉसिंग के इस पे तुमको ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, राइट? नाउ दैट ऑफस्प्रिंग जो F1 जनरेशन है दैट इज गोइंग टू बी हाइब्रिड ऑफ, क्यों? क्योंकि पेरेंट क्या था, डोमिनेंट एंड प्योर रेसेसिव. तो प्योर डोमिनेंट प्योर रेसेसिव का हाइब्रिड फर्स्ट इसमें मिलेगा, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, या बट इट्स गोना बी फिनोटिपिकली डोमिनेंट, राइट? तो वो डोमिनेंट जो था उसको अगर हम बैक क्रॉस, मतलब किसी भी एक पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करवाएंगे तो वो हो जाएगा बैक क्रॉस. इसलिए द नेम इज बैक क्रॉस. व्हाई? बिकॉज इफ यू सी ओवर हियर कि तुम्हारा जो F1 इंडिविजुअल है, जो F1 प्रोजेनी है, वो अगर उसको हम क्रॉस करवाते हैं, नॉर्मली क्या होता है, अगर उसको हम सेल्फ करवाएंगे तो F2 प्रोजेनी बनता है. बट यहाँ पे हम सेल्फिंग नहीं कराएंगे, हम क्या कराएंगे, F1 को क्रॉस करवाएंगे विद वन ऑफ द टू पेरेंट्स, किसी एक पेरेंट के साथ, या तो प्योर डोमिनेंट के साथ या तो प्योर रेसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर बैक क्रॉस. उसी का एक सबसेट आता है तुम्हारा टेस्ट क्रॉस. क्या होता है टेस्ट क्रॉस में, जो F1 हाइब्रिड है, यहाँ पे क्या था, F1 हाइब्रिड को वन ऑफ द टू किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे थे, बट यहाँ पे जो F1 हाइब्रिड है इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं ओनली एंड ओनली विद योर रेसेसिव पेरेंट. दैट मींस दिस विल बी crossed with homozygous recessive parent, then it will be called as your test cross. Okay, that is the basic difference between back cross and test cross. Okay, I hope it's clear. Test cross is easy, simple, repeatable and predictable. It can be easily predicted, right? Agar tum cross karke bhi try kar lo कि तुम F1 पेरेंट को, यू कैन ट्राई दिस क्रॉस ऑन योर ओन, F1 पेरेंट को यू क्रॉसिंग विद अ रेसेसिव पेरेंट एंड देन इफ यू विल चेक द कॉम्बिनेशन, तो जो कॉम्बिनेशन मिलेगा इट विल बी वेरी इजी फॉर कैलकुलेटिंग. इट्स जस्ट लाइक योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड अ रेसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस रेसेसिव. ओके, टेस्ट क्रॉस कैन बी यूज्ड, किस लिए यूज करते हैं, क्यों करना है. टेस्ट क्रॉस कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एनी वन पेरेंट. अगर तुम्हारे पास एक प्लांट है, तुम्हारे वो प्लांट का तुमको एग्जैक्टली यू आर नॉट अवेयर कि ये प्लांट का जीनोटाइप क्या है, तुमको फिनोटिपिकली दिख रहा है अच्छा ये टॉल है, ठीक है, बट तुमको अगर कंफर्मेशन चाहिए कि उसका जीनोटाइप क्या है,
For that you do test cross, hence the name test cross. Okay, you do test cross जहां पे तुमको पता करना है कि ये जो F1 है, मतलब जो तुम्हारा ये F1 जनरेशन वाला प्लांट मिला, बट तुमको देखना है कि जो पेरेंट मिल रहा है वो पेरेंट प्योर डोमिनेंट है या हाइब्रिड डोमिनेंट है, वो चेक करने, या उसका जीनोटाइप एग्जैक्टली क्या है वो चेक करने के लिए यू डू टेस्ट क्रॉस. फॉर एग्जाम्पल अ पी प्लांट हैविंग वॉयलेट पर्पल कलर, ठीक है, इज क्रॉस विद अ पी प्लांट विद अ व्हाइट फ्लावर. ओके, बट यू आर नॉट सपोज, अच्छा चलो व्हाइट फ्लावर तो पता है हमको, ये रेसेसिव कैरेक्टर है, मतलब ये तो प्योर होगा ही होगा, बट क्या मेरा वॉयलेट कलर, जो मेरा वॉयलेट वाला प्लांट है, इज दैट प्योर डोमिनेंट, एम आई श्योर ऑफ इट, क्योंकि डोमिनेंट तो हाइब्रिड में भी दिखता है, राइट? तो ये श्योरिटी लाने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल डू बैक क्रॉसिंग, क्योंकि मैं ये पर्पल और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस करवाऊंगी, एंड देन व्हाट आई विल गेट इन माय F1 जनरेशन, उसको मैं वापस से व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाऊंगी. ओके, उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट से हमको समझ जाएगा कि वेदर द पेरेंट वाज प्योर और इट वाज हाइब्रिड. ओके, सो इन कंक्लूजन द प्लांट इज प्योर और होमोजाइगस, एंड इफ वी गेट वॉयलेट एंड व्हाइट फ्लावर इन 1:1. 1:1 मतलब क्या, जितने तुम्हारे वॉयलेट प्लांट है उतने ही अगर व्हाइट फ्लावर्स वाले प्लांट मिले, 1:1 रेशियो है, देन वी कैन कंक्लूड कि जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है. कौन सा वाला, जो तुम्हारा पेरेंट प्लांट है. गॉट इट? टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस यूजफुल रेसेसिव ट्रेट्स इन द हाइब्रिड ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स ड्यूरिंग रैपिड क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स. ओके, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ योर टेस्ट क्रॉस. ओके, दिस इज अबाउट योर टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. आई होप इट्स क्लियर. यस मृण्मयी, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू डिविएशन. डिविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग, दैट मीन्स वॉट, मेंडल ने जो थ्योरी दिया कि ऐसे ऐसे है, ये डोमिनेंस, जो भी रूल्स दिए, वॉट एवर ही गेव, दैट वॉज ऑल राइट, बट स्टिल उसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि हमने नोटिस किए कि ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि इट्स नॉट एग्जैक्टली फॉलोइंग मेंडल का फाइंडिंग, मतलब मेंडल का जो लॉ था वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, देर वर सम डिविएशंस विच वर सीन. ओके, तो वो डिविएशंस के अगेंस्ट देन वी लाइक मोर थ्योरीज केम अप, एंड देन देर वर मोर फाइंडिंग्स, जिसको हमने नियो मेंडलिज्म फेज बोला. नियो मेंडलिज्म मीन्स वॉट, कि मेंडल के तो थ्योरीज थे ही, बट उसमें और मॉडिफिकेशंस किया हमने जो कि मेंडल के इसमें मैच आउट नहीं हो रहे, दैट आर योर डिविएशंस. न्यू जनरलाइज्ड वर जनरलाइजेशंस वर अराइव्ड एट मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स गार्डन पी प्लांट का, जैसे कि पहला क्या था, सिंगल ट्रेट, मतलब सिंगल जीन टू एलील्स, राइट? फिर क्या था, दो अलील शो इंटरैक्शन इन विच वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट एंड द अदर हैज टू बी कंप्लीटली रेसेसिव. तीसरा ये फाइंडिंग था कि फैक्टर्स विच इज नथिंग बट जीन्स विच वर लेटर एंड फाउंड आउट कि फैक्टर्स ही जीन्स है, तो फैक्टर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर जीन, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट आउट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, राइट? ये तीन फाइंडिंग्स थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे डिविएशंस देखने को मिले, एंड उसको हम बोलते हैं पोस्ट मेंडेलियन एरा, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज नियो मेंडेलिज्म. ओके, व्हाट वाज इट? इट वाज ऑब्जर्व दैट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन कैन बी मॉडिफाइड. फिनोटिप मतलब क्या, फिजिकल अपियरेंस. तो फिजिकल अपियरेंस जो था एक जीन का, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है या फिर उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ सम अदर जीन. दीज जीन्स इंट्रैक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स. पहला होता है इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक. ओके, व्हाट हैपेंस इन इंट्राजेनिक? इंट्राजेनिक मतलब क्या, मतलब मेंडल ने क्या बोला था, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी जीन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, कोई भी जीन किसी के इस पे
रिएक्ट वैसे नहीं कर सकता बराबर। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इंट्राजेनिक इंटरजेनिक ये इंट्रैक्शंस हो सकते हैं जीन्स के बीच में। क्या होगा, इंट्राजेनिक मींस क्या, ऑकर बिटवीन अलील्स ऑफ द सेम जीन, सेम जीन के अलील्स के साथ ये इंट्रैक्शन हो गए जिसके वजह से हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा। व्हाट डू मीन बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस, द वर्ड इटसेल्फ सेज कि डोमिनेंस कंप्लीटली नहीं दिख रहा है, इनकम्प्लीट है डोमिनेंस, पूरी तरह से ना डोमिनेट कर रहा है ना खुद पूरी तरह से रेसेसिव बन रहा है। ओके, पूरी तरह से डोमिनेट करना मतलब क्या कि उसका ही ट्रेट 100% दिखना चाहिए, दैट इज योर कंप्लीट डोमिनेंस, राइट। मतलब अगर उसके साथ एक रेसेसिव जीन है तो वो रेसेसिव जीन 100% मास्क आउट होना चाहिए, दैट इज योर कंप्लीट डोमिनेंस। बट इन दिस इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन जहां पे योर अलील्स ऑफ द सेम जीन्स आर इंट्रैक्टिंग विद ईच अदर, तो उसमें क्या हो रहा है कि इट इज नॉट कंप्लीटली मास्किंग आउट द रेसेसिव जीन, आधी तरह से वो डोमिनेट कर रहा है। या फिर ऑल्सो यू हैव अ कंसेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस कि ना वो डोमिनेट कर रहा है ना वो रेसेसिव है, वो एक्सप्रेस हो रहा है बट वो दूसरे को पूरी तरह से मास्क आउट नहीं कर रहा। नाउ दिस माइट साउंड वेरी मच सिमिलर बट इट्स नॉट द केस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, जैसे कि यहाँ पे एक फ्लावर का एग्जाम्पल है ऑफ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द अलील्स, जो अलीलों ऑफ पेयर है ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक, उन लोग एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील। ओके, दोनों भी केस में तुम बोल नहीं सकते कि ये डोमिनेंट है कि ये रेसेसिव है, बिकॉज तुम्हारा जो F1 हाइब्रिड मिल रहा है वो कंप्लीटली अलग कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना तुमको। मतलब एक एग्जांपल जैसे देख लो, यहाँ पे मिराबिलिस जलापा, दिस इज अ फ्लावर जहाँ पे रेड फ्लावर को अगर मैं क्रॉस कर रही हूँ व्हाइट फ्लावर से, तो हमको आइडियली हमने अब तक जो स्टडी किया है क्या मिलना चाहिए, हमको रेड मिलना चाहिए बिकॉज हमारे हिसाब से रेड फ्लावर इज डोमिनेंट। तो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को जब हमने क्रॉस किया तो हमको रेड मिलना चाहिए, बट इंस्टेंट व्हाट डिड वी ऑब्जर्व कि पेरेंट जो था ये रेड फ्लावर था, ये व्हाइट फ्लावर था मिराबिलिस जलापा का, उसका गैमेट फॉर्मेशन किया एंड जब क्रॉसिंग किया तो यहाँ पे आइडियली रेड होना चाहिए बट रेड नहीं मिला, उसके जगह पे पिंक मिला, विच इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ इधर ऑफ द पेरेंट, राइट। तो उस चीज को जहां पे ये, इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है ना ही पूरी तरह से रेसेसिव है। व्हेयरएज वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट कोडोमिनेंस, उसमें क्या होता है इन कोडोमिनेंस कि बोथ द जीन्स आर इक्वली एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। ओके, दैट मींस यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज कैपिटल आर रेड कलर, ओके दिस इज डब्ल्यू डब्ल्यू व्हाइट कलर। नाउ सी हियर आई एम नॉट राइटिंग स्मॉल आर बिकॉज यहाँ पे मैं किसी को भी डोमिनेंट किसी को भी रेसेसिव नहीं बोल सकती हूँ, यहाँ पे दैट्स व्हाई आई हैव गिवन कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू ओके। व्हाई, बिकॉज जब इनकी क्रॉसिंग हो रही थी, ओके कैटल की जब क्रॉसिंग हो रही थी, तब हमने देखा कि जो कॉम्बिनेशंस बन रहे थे वो ऐसे बन रहे थे कि या तो व्हाइट बेस है उस पे पैचेस रेड के हैं, या तो रेड बेस है उस पे पैचेस व्हाइट के हैं, तो वी वर सीइंग कि पैचेस की तरह दिख रहा है, इट इज नॉट कंप्लीटली रेड नॉर कंप्लीटली व्हाइट, और ऐसा भी नहीं है कि उसका एक मिडिल कॉम्बिनेशन का कलर है, दे हैव पैचेस ऑन देम। तो वो जो पैचेस वाला जो सिनेरियो है उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस, वेयर बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट टूगेदर बट बोथ द जीन्स आर इक्वली एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। ओके, इफ यू विल सी इनका भी कॉम्बिनेशन 1:2:1 ही है, राइट। ओवर हियर ऑल्सो यू विल गेट द कॉम्बिनेशन 1:2:1, बट यहाँ पे हमको जो टू जीनोटिपिकली जो मिल रहा था अलग से, यहाँ पे जीनोटिपिकली अलग होगा बट फिनोटिपिकली अगर देखा जाए तो 3:1 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3:1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। पहले क्या था कि ये जो टू था वो भी एक था, रेड था बराबर, भले वो जीनोटिपिकली अलग था बट फिनोटिपिकली इट वॉज फॉर्मिंग 3:1। विल इट बी 3:1 नाउ? नो। वाई? बिकॉज वी हैव पिंक कलर नाउ।
तो जो टू है वो पिंक कलर हो गया, जिसके वजह से हम उसको रेड में काउंट नहीं कर सकते। तो अगर मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करूं या मैं को डोमिनेंस की बात करूं, तो इन दैट केस व्हेन यू विल चेक योर रेशियो ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप, यू विल गेट सेम रेशियो, दैट इज 1:2:1। दैट मीन्स दीज आर द कॉम्बिनेशंस वेयर यू विल गेट योर जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो टू बी 1:2:1। ओके, क्लियर? फ्रेंड में इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, सो दिस वाज अबाउट योर को डोमिनेंस, दैट इज योर को डोमिनेंट एलील्स में होता है। ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। इसको ये रेड कलर कैटल, दिस इज रोन, नोन एज रोन, जहां पे तुमको आर और व्हाइट, रेड और व्हाइट दोनों के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, दिस इज व्हाइट, दैट इज योर को डोमिनेंट। एंड ये जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि उसमें जीनोटाइपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है वो आइडेंटिकल होता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट थिंग ऑफ इंटरजेनिक या नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, ये वाला तो अलीलिक इंट्रैक्शन था, ये आ रहा है नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन, ऑकर्स बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम या फिर अलग अलग क्रोमोजोम पे, या तो सेम क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होने दो या अलग अलग क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होने दो। ओके, तो दिस इज अबाउट योर दिस इज अबाउट योर इंटरजेनिक, दैट इज नॉन अलीलिक इंटरैक्शन। ओके, एग्जाम्पल प्लियोट्रॉपी, पॉलीजीन्स, एपिस्टासिस, सप्लीमेंट्री एंड योर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग अभी पढ़ लेंगे, जैसे कि पहला ही है तुम्हारा प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल अलील्स हो गया, प्लियोट्रॉपी हो गया। मल्टीपल अलील अगर देखने जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाम से ही समझ में आता है, यहाँ पे अलील्स, मल्टीपल अलील्स हैं जो एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मे बी दैट कैन बी द सिनेरियो। यहाँ क्या हो रहा है, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अलील्स, चाहे वो डोमिनेंट और रेसेसिव हो, मोर देन टू होने चाहिए। नॉर्मली अब तक हम क्या देख रहे थे, दो ही देख, डोमिनेंट एक रेसेसिव, राइट? हियर आई एम सेइंग मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम्स और इट्स होमोलोग, सेम जगह पे सेम लोकाई। लोकाई मीन्स क्या, इट लोकेशन, कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम पे ये दो अल्टरनेटिव जीन होने चाहिए, बट अब दो से ज्यादा जीन जो है वो सेम लोकाई पे स्टेबल है, राइट? दे आर इंटरैक्टिंग ओवर देयर, तो वो होता है तुम्हारा मल्टीपल अलील्स। अ जीन कैन म्यूटेट सेवरल टाइम्स प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ अल्टरिंग एक्सप्रेशंस, ढेर सारे एक्सप्रेशंस, अलग अलग एक्सप्रेशंस आ सकते हैं, सिर्फ वो एक जगह पे क्रोमोसोम के एक ही जीन में अलग अलग म्यूटेशंस ला के। ओके, डिफरेंट एलील्स इन अ सीरीज नाउ डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशन और मे शो कोडोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वो सारी चीजें कॉम्बिनेशंस वो एक लोकाई पे हो सकता है। ठीक है, वाइल्ड टाइप जो है, मोस्टली वाइल्ड टाइप हमारा जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं डोमिनेंट ओवर दी अदर म्यूटेंट अलील्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ड्रोसोफिला का। ठीक है, ड्रोसोफिला में क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स आर नोन। यहाँ पे देख लो साइज ऑफ द विंग के बेसिस पे। ठीक है, जैसे अगर वो ड्रोसोफिला है, इसमें जो नॉर्मल विंग्स हैं, तो नॉर्मल विंग्स का जीनोटाइप विल बी VG+। नेक जीन्स यहाँ पे दिखाया है कैसा है विंग्स, उसका नेक विंग्स इज VGNI, NI इज फॉर नेक। ओके, नॉच जीन्स NO, स्ट्रैप विंग्स इज ST, स्ट्रैप के लिए। वेस्टिजियल विंग्स, वेस्टिजियल क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो विंग्स है ही नहीं, एक्चुअली दिख ही नहीं रहा, बट विंग्स आर देयर बट इट्स नॉट फंक्शनल, तो वेस्टिजियल विंग्स, तो वो सिर्फ VG। ओके, तो ऐसे अलग अलग है जहां पे तुम्हारे ये सारे जो विंग्स के जीन है दीज आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाई ऑफ द, या तो सेम क्रोमोसोम पे या तो अलग अलग होमोलोगस कंडीशन में।
ओके, द नॉर्मल विंग, जो नॉर्मल विंग है वो तुम्हारा वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड वेस्टिजियल विंग इज रेसेसिव। ये हमने डिफाइन तो कर दिया कि ये वाइल्ड टाइप है और ये जो रेसेसिव है, बट उसमें अलग अलग म्यूटेशंस होके देयर कैन बी नंबर ऑफ अल्टरनेट एक्सप्रेशंस दैट कैन बी प्रेजेंट। ओके, तो दिस इज अबाउट योर मल्टीपल अलील्स। ठीक है, ये कौन से टाइप के इंटरेक्शन में आता है? ये आता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन, ऑल्सो नोन एज नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट लेट्स कम टू प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि प्लियोट्रॉपी में है व्हेन सिंगल जीन, एक जीन उल्टा है यहाँ पे क्या था, मल्टीपल जीन से। एक और एक एग्जांपल है ब्लड ग्रुप का, वो हम लोग थोड़े टाइम बाद डिस्कस करते हैं। प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा है कि सिंगल जीन है, सिंगल जीन दो या दो से ज्यादा डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक या प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिक रेशियो क्या आता है? 3:1 जहां पे आ रहा है वो 3:1 के जगह पे यहाँ पे आता है हमको 1:2 इन प्लियोट्रॉपिज्म। ओके, कैसे आएगा देखते हैं। वाई 1:2, एक्चुअल में तो चार कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, तो चार में से एक कहाँ गायब हो गया? बिकॉज प्लियोट्रॉपी इज हैपनिंग इन, जैसे एक एग्जाम्पल है सिकल सेल अनेमिया। ओके, जहां पे तुम्हारा आरबीसी का जो शेप होता है, आरबीसी बाइलोप्ट होता है नॉर्मल शेप, वो शेप कन्वर्ट हो जाता है सिकल सेल में। तो ये जो सिकल सेल अनेमिया होता है वो उस इसमें होता है, इट इज लाइक अगर किसी को सिकल सेल अनेमिया हो गया तो दैट पर्टिकुलर पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव इट एनी विच वे डाई बाय। बिकॉज इफ यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, मेन फंक्शन क्या है आरबीसी का, कि वो ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है, राइट? पूरा सर्कुलेशन जो होता है उसमें हेल्प कर रहा है। बट अगर वही बराबर से नहीं होगा तो फिर तुम्हारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इफ द सेल इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन ऑन टाइम, इट वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी। इफ देर इज नो एनर्जी, लाइक नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, नो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दैट मीन्स नो एटीपी। इफ देयर इज नो एटीपी, नो एनर्जी प्रोडक्शन, एट द एंड ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा कि वो जो है इट विल द सेल विल डाई, राइट? द सेल विल डाई। तो ऐसे धीरे धीरे करके बॉडी में अगर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे पतले 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 कैपिलरीज होते हैं, राइट? वो कैपिलरीज में ये सिकल सेल अनीमिया नहीं जा पाता है, अटक जाता है। ठीक है, तो अटक जाता है तो उधर ब्लॉकेज, तो ऐसे मल्टीपल ब्लॉकेज हो जाता है बॉडी में, बिकॉज सिकल सेल एनीमिया इज नॉट एबल टू सप्लाई ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में काफी ज्यादा एबनॉर्मली लो हो जाता है। ओके, तो ये कंडीशन में एनी विच वे द पर्सन विल डाई। तो एक क्रॉस देख लेते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं पेरेंट की, एक पेरेंट है वो कैरियर है, ठीक है, इट्स अ कैरियर एंड दूसरा भी कैरियर है, मतलब एक नॉर्मल है और एक सिकल सेल, एस वाला है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये एच बी ए दिया है, एच बी एस दिया है कैरियर का, ए इज फॉर नॉर्मल, एस इज फॉर सिकल सेल, राइट? दोनों में जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, एक ए एस, राइट? तो 1 3 1 4 2 3 2 4, राइट? वी विल डू दैट क्रॉसिंग। तो ये मिल गया एक नॉर्मल, मतलब ये जो बच्चा होगा ऑल्दो इनके पेरेंट्स एक कैरियर है, स्टिल दिस चाइल्ड विल बी कंप्लीटली नॉर्मल। इसमें एक भी ऐसे जीन नहीं होंगे जिसके वजह से सिकल सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये दो अपने पेरेंट की तरह ही कैरियर बनेंगे। ठीक है, कि इनको तो कुछ नहीं हुआ है, इनका बॉडी एब्सोल्युटली नॉर्मल, दे हैव नो सिम्टम ऑफ सिकल सेल अनीमिया, बट दे डू हैव अ जीन व्हिच माइट कॉज सिकल सेल अनीमिया व्हिच इज रेसेसिव, दैट्स व्हाई वो उनके बॉडी में नहीं दिख रहा है। दूसरे लास्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं, चौथे, जहां पे दोनों भी जीन सिकल सेल अनीमिया के हैं, दैट मीन्स ये इंसान में वैसे भी सिकल सेल अनेमिया होगा ही होगा, और अगर किसी में सिकल सेल अनेमिया हो रहा है दैट पर्सन विल डाई बिकॉज इट इज अ लीथल जीन। ठीक है, इट इज अ लीथल जीन। व्हाट डू यू मीन बाय लीथल जीन? व्हिच माइट लीड टू डेथ। ओके, इट हैज लीथल जीन, दैट्स व्हाई एक अगर आ भी गया तो वो वैसे भी इट विल बी लीथल, सो द पर्सन विल डाई।
दैट्स वाई यू आर लेफ्ट विथ ओनली थ्री कॉम्बिनेशन, जिसमें से एक नॉर्मल होता है और दो जो है वो होते हैं तुम्हारे कैरियर. ओके, दैट इज योर प्लियोट्रॉपिज्म. ओके, इज देर एनी क्वेश्चन? ओके, सो दैट इज योर कंप्लीट प्लियोट्रॉपिज्म. ओके, ये डिस्कस करके हम लोग एक आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ ब्लड ग्रुप ऑल्सो. फाइन, ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि यू हैव ब्लड ग्रुप्स लाइक, वेट आई जस्ट जूम इन सो वी कैन राइट इट ऑल योर. ब्लड ग्रुप्स, अब ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा है कि यू हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, राइट? अलग अलग ब्लड ग्रुप कौन सा है, हमको क्या पता है? हमें पता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप पता है, एंड ओ पता है. नाउ व्हाट इज ऑल दीज ब्लड ग्रुप? बेसिकली क्या है ब्लड ग्रुप? इज नथिंग बट इट ऑल दीज आर एंटीजेंस. ओके, दीज आर एंटीजेंस, और ये एंटीजेंस किधर प्रेजेंट है? ये एंटीजेंस प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर. तो तुम्हारा जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, वो रेड ब्लड कॉर्पसल्स पे ये एंटीजेंस रहते हैं, ठीक है? तो वो एंटीजेंस, जो भी एंटीजन, अगर ए एंटीजन होगा तो ए ब्लड ग्रुप होगा, अगर बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों भी एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो वो बन जाएगा तुम्हारा ए बी ब्लड ग्रुप. अगर दोनों में से एक भी एंटीजन इज नॉट प्रेजेंट, ओके, नन ऑफ द एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, दैट विल बिकम योर ओ ब्लड ग्रुप. ओके, नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एन एंटीजन, यू विल डेफिनेटली हैव द अपोजिट एंटीबॉडी ऑल्सो. ओके, अपोजिट दैट मींस क्या? अगर किसी के ये, दिस इज लाइक तुम्हारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ये हो गया तुम्हारा एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं. एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी वर्क्स अगेंस्ट द एंटीजन. ओके, वर्क्स अगेंस्ट द एंटीजन. नाउ व्हाट हैपेंस, अगर किसी के बॉडी में ए ब्लड ग्रुप है तो उसके बॉडी में बी एंटीबॉडी होगा. क्यों? क्योंकि इसीलिए हम बोलते हैं ना कि किसी को हम कोई भी ब्लड ग्रुप का, वी कैन नॉट गिव एनी ब्लड टू एनी वन. दैट मीन्स इफ सपोज देयर इज अ पेशेंट, दैट पेशेंट नीड्स ब्लड, ओके, उसमें ब्लड लॉस हो गया, उसको इमरजेंसी ब्लड की जरूरत है, तो उस टाइम पे किसी का भी ब्लड उठा के उसको नहीं दे सकते, राइट? व्हाई? बिकॉज वी विल हैव टू चेक फॉर द ब्लड ग्रुप. वो पेशेंट का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसको हम ए वाला ही देंगे, राइट? बराबर, बी है तो उसको बी का ही ब्लड ग्रुप देंगे, या फिर वी ऑल्सो हैव ओ, वी कैन ऑल्सो गिव ओ, राइट? तो ये क्यों होता है, विल अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट. सो इफ यू हैव ए एंटीजन, देन इन योर बॉडी यू विल हैव बी एंटीबॉडी. व्हाई? बिकॉज अगर तुमने ए वाले के बॉडी में अगर तुमने बी का ब्लड डाल दिया, देन द बी एंटीबॉडी विल स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट इट. ओके, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन कि वो बी ब्लड ग्रुप जो था वो बी ब्लड को फाइट करने लगेगा, एंटीबॉडी इट डजंट मैचेस. ओके, सो ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप के पास, तुम्हारा एंटीबॉडी जो है वो बी होगा. लेट मी जस्ट राइट ओवर योर ब्लड ग्रुप और एल्स, या ओके, जैसे ये ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा, इधर मैं लिखती हूँ ब्लड ग्रुप, ठीक है? इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ओके, ये इसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ये देखेंगे. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? ए एंटीजन. एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा? बी एंटीबॉडी. ओके, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, अपोजिट होगा एंटीबॉडी. अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके एंटीजन कौन से प्रेजेंट होंगे? दोनों, ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा, तब जाके ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा. और एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा? एक भी नहीं, क्योंकि दोनों का एंटीजन तो प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी एक भी नहीं होगा यहाँ पे. वेयर एज व्हेन माय ब्लड ग्रुप इज ओ, तो
यहाँ पे मेरे पास एक भी एंटीजन मेरे बॉडी में नहीं होगा आरबीसी के ऊपर, वेर एज मेरे पास दोनों का भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। ओके, अब देखते हैं कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। जिसके पास जो एंटीजन होगा वो उसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बट अगर उसके पास वो सेम एंटी मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले को मैं बी क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि बी डाल दिया तो उसके पास ऑलरेडी बी एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी विल फाइट अगेंस्ट द एंटीजन, राइट? सो दैट वोंट मेक अ पेयर। तो ए को कौन डोनेट कर सकता है? ए को या तो ए खुद डोनेट करेगा, या तो वी हैव ऑप्शन ऑफ ओ। व्हाई? बिकॉज इसके पास जो है एक भी एंटीजन नहीं है, तो एक भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी को कोई नहीं मिलेगा फाइट करने के लिए। गॉट इट? इज इट क्लियर? सो अगर इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, दैट मींस ओ कैन डोनेट टू ए, ओ कैन आल्सो डोनेट टू बी, ओ कैन आल्सो डोनेट टू ए बी। व्हाई? बिकॉज इट डजंट हैव एनी एंटीजन, दैट्स व्हाई ओ विल बी कॉल्ड एज आर यूनिवर्सल डोनर, राइट? सेम वे लेट्स टॉक अबाउट बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप को सिर्फ बी ही ब्लड दे सकता है, ए तो देगा नहीं, ए बी भी नहीं देगा। क्यों नहीं ए बी देगा? क्योंकि इसमें बी तो है बट ए भी तो है, तो बी को नहीं दे सकता बट ओ दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है इसीलिए। ए बी की अगर बात करें तो ए बी को ए बी ब्लड ग्रुप दे सकता है क्योंकि ए एंटीजन है, बी भी दे सकता है, ऑल्सो ओ भी दे सकता है, राइट? दैट मीन्स कैन आई से कि अगर एक पेशेंट है ए बी ब्लड ग्रुप का तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। दैट मीन्स अगर मेरा यूनिवर्सल डोनर ओ है तो माई ए बी विल बिकम माई यूनिवर्सल रिसीवर। कैन आई से दैट? क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे ब्लड रिसीव करेगा, राइट? सो दिस इज अबाउट योर ब्लड ग्रुप। ओके, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स। क्लियर? यस मिनमई। ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये तो हो गया तुम्हारा क्रोमोसोमल पूरा, कि अबाउट ऑल मेंडेलियन एंड न्यू मेंडेलियन। दिस मार्क्स द हाफ ऑफ योर चैप्टर। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे बेसिकली हम डिटेल में थोड़ा जाएंगे कि तुम्हारा क्रोमोसोम्स क्या है। ओके, व्हाट इज हाउ द क्रोमोसोम लुक्स लाइक, व्हाट हैपेंस इन द क्रोमोसोम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। वील बेसिकली टॉक अबाउट क्रोमोसोम इन डिटेल, ठीक है? तो यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ग्रेगर जोहान मेंडल, जिन्होंने वो मेंडेलियन पूरा थ्योरी दिया था, उन्होंने अपना काम कब प्रेजेंट किया था? 1866 में, ठीक है? 1866 में उन्होंने अपना काम एक्सप्रेस किया था, राइट? फॉर सम रीजन इट रिमेन अननोटिस्ड। 1900 तक वो चीज किसने एक्सेप्ट ही नहीं की थी, बाद में उनका काम जो है रिकॉग्नाइज हुआ था, एंड लेटर ऑन यू नो मेनी मोर थ्योरीज केम इन द पिक्चर, और फिर बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने वो चीज एक्सेप्ट की। ओके, बट देन लेटर ऑन मोर एंड मोर थ्योरीज केम अप, एंड फिर उसमें जो मेंड पता चला कि मेंडल जिस फैक्टर की बात कर रहा था वो फैक्टर इज नथिंग बट जीन्स। ओके, जीन्स एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट विच कंट्रोल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, चाहे वो डोमिनेंट हो, रेसेसिव हो, किसी भी टाइप का कैरेक्टर हो, वो जीन्स होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब ये जीन्स तो है, ठीक है, बट मेंडल को ये नहीं पता था कि ये फैक्टर जिसकी वो बात कर रहा था वो फैक्टर है कहाँ पे, किधर प्रेजेंट है वो फैक्टर। सो ही डिड नॉट नो द फिजिकल लोकेशन ऑफ द फैक्टर्स। तो लेटर ऑन इन 1900, ओके, 1900 थ्री साइंटिस्ट हुए थे, ह्यूगो डी ग्राइस, कोरेंस एंड वॉन चेस्मार्क। सो ये तीन साइंटिस्ट थे इन द ईयर ऑफ 1900। व्हाट दे डिड? दे इंडिपेंडेंटली दे रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क।
बट इस टाइम पे उन्होंने इस तरीके से रीडिस्कवर किया कि दे हैड माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हुआ था, माइक्रोस्कोप था तो वो सेल डिवीजन देख पा रहे थे. व्हेन दे वर एबल टू चेक ऑन स्टडी द सेल डिवीजन, दे रियलाइज्ड कि देर इज अ स्ट्रक्चर, देर इज अ जेनेटिक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम्स विच दे वर एबल टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप. व्हेन दे स्टडीड इट फर्दर दे रियलाइज कि व्हाट मेंडल वाज सेइंग वाज नॉट रॉन्ग, बट इट वाज जस्ट दैट वो हवे में थोड़ा मैथमेटिक्स के हेल्प से ही वाज टॉकिंग, ही वाज नॉट एग्जैक्टली नोइंग द बायोलॉजिकल ऑकरेंस ऑफ दैट थिंग. सो व्हाट ही डिड, ही ये तीनों साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली व्हेन दे वर माइक्रोस्कोप आ गया था, व्हेन दे वर स्टडिंग सेल डिविजन्स एंड एवरीथिंग, दे नोटिस दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. देयर इज अ सो यू नो स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम. ऑल्सो यहाँ पे वॉल्टन सुटन अलॉन्ग विद दियोदर बोरी इन 1903, ओके, 3 साल बाद 1903, दे स्टडीड पैरेलल बिहेवियर ऑफ मेंडल्स फैक्टर, मतलब वो जीन्स था वो उन्होंने वापस से स्टडी किया, और वो थोड़ा और डिटेल में दे स्टडीड अबाउट द मियोसिस. मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम्स कैसे फंक्शन करते हैं, हाउ दीज गैमेट, व्हाई मियोसिस व्हाई नॉट माइटोसिस, बिकॉज माइटोसिस में तुम्हारा वो जो गैमेट फॉर्मेशन है वो नहीं हो रहा, राइट. यहाँ पे मियोसिस उन्होंने स्टडी किया बिकॉज मियोसिस में उन्होंने देखा कि कैसे हाफिंग ऑफ द नंबर हो रहा है क्रोमोसोम का, जो अगर यहाँ पे 2n है तो वो n कैसे बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं. तो मियोसिस स्टडी करते समय ये साइंटिस्ट लोग ने क्रोमोसोम्स के फंक्शंस बिहेवियर को नोटिस किया, ठीक है. सो बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस योर कंप्लीट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज पुट फॉरवर्ड. दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय होम, पुट फॉरवर्ड बाय सुटोन एंड बोवरी, ठीक है. सो दिस वर द टू साइंटिस्ट एंड दिस थ्योरी आइडेंटिफाइज द क्रोमोसोम्स एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब क्रोमोसोम आज जो हम एक्सेप्ट करते हैं, दिस इज द थ्योरी दैट वी एक्सेप्ट कि क्रोमोसोम इज द मटेरियल, क्रोमोसोम इज द रीजन अ कैरियर ऑफ आर जेनेटिक मटेरियल. कौन क्या है जेनेटिक मटेरियल हमारा, इट्स नथिंग बट डीएनए, राइट. सो डीएनए जो है लेटर ऑन वी स्टडीड और पता चला कि जो डीएनए होता है वही डीएनए को कॉइल किया जाता है और फिर वही बनता है तुम्हारा क्रोमोसोम, ओके. सो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द पेयर सोमैटिक सेल्स में, राइट. व्हाट डू यू मीन बाय सोमैटिक सेल्स, दो टाइप के सेल्स होता है, एक तो तुम्हारा सोमैटिक सेल्स, एक तुम्हारा जो होता है जो एलोसोम्स जो बोलते हैं, और दूसरा हो गया तुम्हारा जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तुम्हारा जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, राइट. तो वो गैमेट वाला सेल्स हो गया, वो अलग हो गया. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सोमैटिक सेल्स. जैसे वी हैव 23 पेयर्स, तो 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स हैं वो होते हैं तुम्हारे सोमैटिक सेल्स वाले. सोमैटिक सेल्स में दे एवरीथिंग ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन भी दे नोटिस दैट होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होता है, दे सेग्रीगेट, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस. देन दे रियलाइज कि व्हाट मेंडल वाज टॉकिंग वाज एक्चुअली ट्रू, ओके, बट दे वर एबल टू सी दैट लाइव ऑन थ्रू द माइक्रोस्कोप, ठीक है. दस ईच गैमेट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर, एक पेयर में से हमेशा एक क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है इन गैमेट, मतलब 2n का हमेशा n हो जाता है, दो नहीं प्रेजेंट होता. तो वो उन लोग ने मियोसिस पढ़ते समय दे स्टडीड इट. न्यूक्लियस ऑफ गैमेट कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच कैरी ऑल द हेरिडिटी मटेरियल, इसलिए हमने उसको न्यूक्लिक एसिड बोला था. ही ऑल्सो स्टडीड अबाउट द गैमेट्स की स्पर्म होता है, मतलब धीरे 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 करके बहुत सारी चीजें जो है रिसर्च की गई थी कि अच्छा ये मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट एग होता है, फिर ये ऐसा होता है वो ऐसा, सारी चीजें जेनेटिकली स्टडी की गई थी, और बेस्ड ऑन दैट फाइनली यू केम अप विद द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ओके. तो यहाँ पे आते हैं तुम्हारा फाइनली कि क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या है. सो क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट दे आर फिलामेंटस बॉडीज प्रेजेंट इन द यूकेरियोटिक न्यूक्लियस, ओके. द टर्म क्रोमोसोम्स, क्रोमो मीन्स क्या, क्रोमो मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी. सो द टर्म क्रोमोसोम किसने कॉइन किया था, कॉइंड बाय डब्ल्यू वेल्डियर इन द ईयर 1888, ओके. 1888 में क्रोमोसोम फाइंड आउट हुआ था, साइज ऑफ द क्रोमोसोम पता किया था, वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज,
सब में अलग अलग साइज का क्रोमोसोम मिलता है। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम वेरीज। मेटाफेज का ही क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू विल चेक सेल डिवीजन में हर फेज को, जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करने जाओगे, यू विल नोटिस कि मेटाफेज इज द ओनली फेज जहां पे यू कैन क्लियरली चेक योर क्रोमोसोम्स, बिकॉज दे आर अलाइंड इन द इक्वेटोरियल प्लेट, सो यू कैन क्लियरली चेक देम आउट। ओके, तो उसका साइज जब नोटिस किया था, इट वॉज नोटिस दैट इट इज ऑन 0.1 to 33 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ एंड 0.2 to 2 माइक्रोमीटर्स इन थिकनेस। दिस वॉज द साइज ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। ओके, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिविजन, बट दे आर विजिबल क्लियरली इन योर मेटाफेज का फेज। दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लीकेशन, क्रोमोसोम्स खुद ही रेप्लीकेट करते हैं, एंड दे प्ले वाइटल रोल इन हेरिडिटी। वाई? बिकॉज दे हैव योर डीएनए विच इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट्स वाई दे प्ले अ वाइटल रोल इन हेरिडिटी। ऑल्सो म्यूटेशन भी डीएनए में हो रहा है, देर आर वेरिएशन विच आर टेकिंग प्लेस, वो भी डीएनए में होता है, एंड एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ यूकेरियोटिक स्पीशीज। जो भी एवोल्यूशन हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, वो क्यों होती है? अगर जीन्स में एवोल्यूशन होगा, चेंजेस होंगे, म्यूटेशंस होंगे, तब जाके वो बाहर दिखेंगे, राइट? सो ऑल दीज चेंजेस टेक्स प्लेस, एंड केमिकली यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स जो है, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, दिस इज कि पूरा क्रोमोसोम बेसिकली होता क्या है, तो क्रोमोसोम इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, बट वो डीएनए बहुत लंबा होता है, तो वो डीएनए को कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में लाने के लिए वो डीएनए को जो है क्या करता है कि वो डीएनए को यू कॉइलेट अराउंड प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो वो प्रोटीन्स के हेल्प से उसको कॉइल किया जाता है, एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज योर हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, सो दिस टुगेदर योर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या क्या है? डीएनए, हिस्टोन एंड कुछ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, फंक्शन क्या है? सिंपल फंक्शन है, हेरिडिटी का फंक्शन। हेरिडिटी का फंक्शन करेगा क्योंकि ये इसमें डीएनए है, तो हिस्टोन क्यों है? हिस्टोन सिर्फ और सिर्फ वो डीएनए को पैक करने के लिए, इट्स अ पैकेजिंग प्रोटीन, बट मेन क्या है? डीएनए विच विल हेल्प इन हेरिडिटी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। द टर्म प्लॉइडी स्पीक्स फॉर द डिग्री ऑफ रिपीटेशंस। एक्स एक्स अगर हम लिख रहे हैं, एक्स इन अ सेल, दैट इज द नंबर ऑफ बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल्स। अगर उसमें लिख रही हूं मैं 2n या 3n, तो वो जो है दैट इज बेसिकली रिपीटेशन, वो होता है, उसको हम बोलते हैं प्लॉइडी। देन हाउ, व्हाट डिग्री ऑफ रिपीटेशन इज शोइंग इन द प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लॉइडी। ओके, नाउ व्हेन द क्रोमोसोम नंबर एक सेल में अगर एग्जैक्ट मल्टीपल होता है ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर, देन इट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। मतलब क्या? Euploidy include monoploid या फिर haploid, मतलब उसमें से वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा, इट इज एग्जैक्ट मल्टीपल, मतलब जो एक्स है, एक्स इज ओनली इक्वल टू एन। ओके, ये हो गया मोनोप्लॉइड। डिप्लॉइड में क्या हो गया? 2n, मल्टीपल है ना, 2n, दैट इज डिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड 3n, टेट्राप्लॉइड 4n, तो ये हो जाता है तुम्हारा यूप्लॉइडी का, जहां पे तुमको मल्टीप्लीकेशन में मिलेंगे नंबर्स, मतलब तुमको इसको 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी एक तुम्हारा बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। जैसे ह्यूमंस में वी हैव 23, तो 23 इज द बेसिक नंबर, बट यू हैव 2 into 23, राइट? ह्यूमंस इज 2n, बट n इज व्हाट? 23। तो हम लोग आते हैं डिप्लॉइडी में। तो ऐसे अगर मल्टीपल्स में अगर है तो उसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी, ठीक है? नेक्स्ट टाइप पे आते हैं एन्यूप्लॉइडी। ओके, नाउ व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? एन्यूप्लॉइडी मींस क्या होता है? या तो इट इज एडिशन या फिर इट इज डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइपोप्लॉइडी का। हाइपोप्लॉइडी मींस क्या? इसमें एक कम होगा, ठीक है, एक जीन कम होगा, जैसे 2n-1,
2N है. अगर मैं बोलूँ ह्यूमंस में बात करूँ, अगर ह्यूमंस में हाइपो मोनोसोमी होता तो क्या होता? ह्यूमंस में 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम नहीं होते, 45 क्रोमोसोम्स होते. ठीक है, तो यहाँ पे एन भी अलग होता बराबर और एक कम होता, दैट मींस 45 क्रोमोसोम्स. नलिसोमी में क्या होता है? 2N-2, दो कम है. ओके, दो कम है तो इसीलिए नलिसोमी. ओके, हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है ना, सी यू यू विल से कि अगर 2N-2 कर दिया तो N का नंबर तो वैसे भी वापस बैलेंस हो जाता है, तो उसको उसमें रखने की क्या जरूरत है एन्युप्लॉइडी में? बिकॉज यहाँ पे N का जो नंबर है उससे दो कम है. ठीक है, जितना रहना चाहिए उतना नहीं है, तो इसीलिए वो नलिजोमी में आ जाता है. अब आता है हाइपरप्लॉइडी. हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा. हाइपरप्लॉइडी में एक्स्ट्रा कॉपीज हैं. अगर एक कॉपी एक्स्ट्रा है तो वो ट्राइजोमी हो गया, अगर दो कॉपी एक्स्ट्रा है तो वो टेट्राजोमी हो गया. गॉट इट? तो ऐसे जब कॉपीज बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो वो आता है तुम्हारे हाइपरप्लॉइडी में. अगर कम हो रहे हैं नॉर्मल से तो वो आता है हाइपोप्लॉइडी में. अगर वो नॉर्मल मल्टीपल्स हैं तो या तो वो मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी ऑफ मल्टीपल नंबर्स, दैट कम्स इन यूप्लॉइडी. ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लॉइडी. द प्लॉइडी टर्म्स ऑफ द डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ योर क्रोमोसोम्स. इज दिस क्लियर? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज क्लियर? या मृण्मयी, आर यू क्लियर विद दिस? सो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ प्लॉइडी, दैट इज योर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, क्या क्या था इसमें? प्लॉइडी, यूप्लॉइडी, एनुप्लॉइडी. यूप्लॉइडी मीन्स प्रॉपर मल्टीपल्स, एक मल्टीपल मोनोप्लॉइडी, दो डिप्लॉइडी, तीन चार पांच पॉलीप्लॉइड. एनुप्लॉइडी में क्या था कि वो प्रॉपर मल्टीपल्स नहीं है, उसमें कुछ या तो एडिशन होगा या तो डिलीशन होगा. अगर डिलीशन हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो हाइपोप्लॉइडी, एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं तो हाइपरप्लॉइडी. ठीक है, उसमें भी थे मोनोजोमी, नलिजोमी. एक कम हो रहा है मोनोजोमी, दो कम हो रहा है नलिजोमी. हाइपरप्लॉइडी में एक ज्यादा बढ़ रहा है ट्राइजोमी, दो बढ़ रहे हैं टेट्राजोमी. दिस इज अबाउट योर कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बाद हम लोग एक टॉपिक लेते हैं हमारा, दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में अगर तुम देखोगे स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू हैव? पहले तो तुम लोगों को पता है कि इट इज नथिंग बट डीएनए थ्रेड होता है. वो डीएनए थ्रेड को हमने कॉइल किया है ऑन योर हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स पे कॉइल करते हो, वही तुम्हारा डीएनए है बराबर. दैट इज व्हाट मेक्स योर क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम्स आर बेस्ट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप. कब? मेटाफेज के टाइम पे. क्यों? क्योंकि वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं और उस टाइम पे वो सबसे ज्यादा हाईली कंडेंस स्टेज में होता है. दैट्स व्हाई इट इज इजीली विजिबल ड्यूरिंग द मेटाफेज. राइट, क्या होता है क्रोमोसोम के पास? क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड्स होते हैं. दो क्रोमैटिड्स मींस दो आर्म्स होते हैं. दो आर्म्स होते हैं जिसको जॉइन करते हैं टुगेदर एट द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर इज नथिंग बट योर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. इफ यू चेक ओवर हियर, यू हैव योर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, दैट इज सेंट्रोमियर. इट्स लाइक अ कंस्ट्रिक्शन आ जाता है. ठीक है, वो होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को छोड़ के यू ऑल्सो हैव सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ऑल्सो. ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है. मेनली तुम्हारे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो मेन होता है उसमें क्या है कि तुम्हारे जो क्रोमैटिड्स हैं, जो आर्म्स हैं, वो क्रोमैटिड ज्वाइन होते हैं टुगेदर सेंट्रोमियर पे. सेंट्रोमियर दैट इज योर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पे दोनों क्रोमैटिड्स ज्वाइन होते हैं. ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क शेप प्लेट कॉल्ड काइनेटोकोर. यही प्राइमरी सेंट्रोमियर पे तुम्हारा काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, विच इज नथिंग बट एक डिस्क शेप का प्लेट होता है, उसको काइनेटोकोर बोलते हैं. क्या फंक्शन है? जब जब तुम्हारा सेल डिविजन, व्हेन यू विल स्टडी सेल डिविजन, तो सेल डिविजन के टाइम पे जब तुम्हारा सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, तो वो स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं ऑन द क्रोमोसोम्स.
अटैच होंगे? काइनेटोकोर पे, ठीक है। तो काइनेटोकोर इज द डिस्क प्लेट जहां पे तुम्हारा स्पिंडल फाइबर जो है वो आके अटैच होगा, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर वहां पे अटैच होगा, कब होगा ये सब? व्हेन यू विल स्टडी सेल डिवीजन, राइट? 11th स्टैंडर्ड में यू हैव स्टडीड सेल डिवीजन, सो यू शुड नो ऑल दीस थिंग्स। बिसाइड्स प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और भी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, राइट? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में क्या क्या होता है तुम्हारा? एट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वन, योर न्यूक्लियोलस बिकम्स ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग इंटरफेस, ओके। ये न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है, दैट इज वो अगेन इट इज अबाउट योर डायरेक्टली कनेक्टिंग टू योर सेल डिविजन का चैप्टर, ओके। एक होता है सैटेलाइट बॉडी, यहाँ पे चेक करोगे, वन इज योर सैटेलाइट, जो एकदम लास्ट वाला जो पार्ट है ये बल्ज, दिस इज योर सैटेलाइट, ओके। यू हैव योर सैटेलाइट बॉडी ऑल्सो कॉल्ड एज SAT, सैट बॉडी इज अटैच्ड एट द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन टू। पहला जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है ऊपर गए, नीचे और एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन टू है, उससे अटैच होता है तुम्हारा सैटेलाइट बॉडी, ठीक है। इन अ वेरी फ्यू क्रोमोसोम्स, बहुत कम क्रोमोसोम में सैटेलाइट बॉडी अटैच होता है, ठीक है। ईच क्रोमैटिड इन टर्न कंटेन्स अ लॉन्ग अनब्रांच स्लेंडर हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड, व्हाई? बिकॉज मेन काम तो यही था, थ्रेड जो था डीएनए का जो कॉइल्ड थ्रेड था, वो थ्रेड को तुमको अच्छे से अरेंज करना था, रैप आउट करना था, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम, बराबर। बट ये जो डीएनए थ्रेड है उसको जब अरेंज करते हैं, व्हेन यू जस्ट यू नो रैप इट अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोनेमा, एक्सटेंडिंग थ्रू द लेंथ ऑफ द क्रोमैटिड। सो ये है तुम्हारा, ये पूरा क्रोमोनेमा इज बेसिकली वो जो रैप अराउंड किया है, ओके, दैट इज योर क्रोमोनेमा, ओके। सो दैट इज योर स्ट्रक्चर, उसमें क्या आ जाता है, क्रोमैटिड आ गया, क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का मॉलिक्यूल है जो एक एंड से दूसरे एंड तक एक्सटेंड होता है, गॉट इट? एंड बेस्ड ऑन योर सेंट्रोमियर, वी विल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर की सेंट्रोमियर के बेसिस पे तुम्हारे अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, बट बिफोर दैट आई वुड रियली लाइक यू टू गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। गो थ्रू दैट एंड चेक आउट की वॉट ऑल थिंग्स आर देयर, क्या क्या थे। काइनेटोकोर था डिस्क शेप, राइट, जो सेल डिविजन में काम आता है। तो जस्ट गो थ्रू योर सेल डिविजन चैप्टर अगेन, सो दैट यू विल गेट क्लियर विद दिस पार्ट ऑल्सो। देख लो एक बार स्पिंडल फाइबर कहाँ बन रहा है, क्या फंक्शन है स्पिंडल फाइबर का, चेक ऑन ऑल दोस थिंग्स, ओके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, यस मृण्मयी? ओके, सो आई स्टॉप ओवर हियर, विल मीट नेक्स्ट लेक्चर, चलो बाय।